फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ में सैलिसिलिकाइड, ये रिएक्शन कहलाता है अपने पास रिमर-टीमन रिएक्शन। अभी मैं बता रहा था क्लेसन रिएक्शन तो हमने डिस्कस किया, कैनिज़ारो अभी आगे आएगा। कैनिज़ारो इज गिवन बाय एल्डिहाइड्स हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन विद अराउंड 50% अल्कली के साथ में, और HBZ है अल्फा हैलोजिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो अभी जो है CHCl3 के साथ में जो रिएक्शन है इसमें OH नेगेटिव ये रिएक्ट करके अपने पास माइनस Cl नेगेटिव माइनस H2O एंड वी गेट डाइक्लोरोमीथेन कार्बीन, ये बना लेता है डाइक्लोरोमीथेन कार्बीन। इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर दिख रहा है बट ये अभी भी इलेक्ट्रोफाइल है बिकॉज कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। और ये फिर अपने पास यहाँ पर फिनॉल के साथ में NaOH प्रेजेंट है तो ये फिनेट के रूप में रहेगा, सो दैट ये एक्टिवेटेड है बहुत ज्यादा, और ये CCl2 ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस पर अटैक कर लेगा और ये आ जाएगा अपने पास हाइड्रोजन और ये अपने पास इलेक्ट्रॉन पेयर और ये आ गया अपने पास Cl नेगेटिव और ये पॉजिटिव और ये O नेगेटिव बाकी एज इट इज। फिर ये इलेक्ट्रॉन पेयर का मूवमेंट H पॉजिटिव का निकलना और इस पे H पॉजिटिव जाकर के क्या बना लेगा इस तरीके से O नेगेटिव एंड CHCl2 और इसका हाइड्रोलोसिस, और हाइड्रोलोसिस पे इस तरीके से रिमूवल ऑफ वाटर और सैलिसिलिकाइड का बनना। तो ये है रिमर-टीमन रिएक्शन। लेकिन CCl4 के साथ में ध्यान रखना फिनॉल का CCl4 के साथ रिएक्शन में डाइक्लोरोमीथेन कार्बीन नहीं बनता, उसका मैकेनिज्म जो फॉलो होता है वो जो गोल्डश्मिट रिएक्शन है जिसमें फिनॉल CO2 के साथ रिएक्ट करता है वो मैकेनिज्म फॉलो होता है, ठीक है ध्यान रखना। तो ये जो CCl2 डाइक्लोरोमीथेन कार्बीन है ये क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ बनेगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। देन एसिडिक स्ट्रेंथ, तो जो फिनॉल है उसमें पैरानाइट्रोफिनॉल और मेटानाइट्रोफिनॉल में NO2 ग्रुप लगा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, लेकिन मेटा पोजीशन पर जब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट यहां पर जैसे O नेगेटिव पर डायरेक्टली नहीं पड़ता। अभी जैसे पैरा पोजीशन पर जुड़ा हुआ है तो ये डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा, ये देखो ये O नेगेटिव का जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है उसको कम करने में हेल्प किया, लेकिन अगर मेटा पोजीशन पर अपने पास NO2 लगा है तो उसका इंपैक्ट उतना ज्यादा नहीं रहेगा। देखो आप ये आ गया पॉजिटिव चार्ज कहां पर आया इस कार्बन पर, ठीक है बाकी ये अब पॉजिटिव सिग्मा सिग्मा कॉन्जुगेशन इसो नहीं है तो यहां का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पॉजिटिव चार्ज को भरने के लिए नहीं आ सकता। पॉजिटिव सिग्मा पाई ये यहां से यहां मूवमेंट होगा और अगला जो स्ट्रक्चर हमको मिलेगा वो इस तरीके से होगा। तो देखो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी अफेक्ट नहीं हुई, पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया, बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज ये आप देखो। तो मेटा पोजिशन पर उसका इंपैक्ट उतना नहीं रहता, लेकिन फिर भी वो फिनॉल के मुकाबले तो ज्यादा एसिडिक होगा मेटा नाइट्रोफिनॉल। और पैराक्रोसॉल में अपने पास CH3 ग्रुप लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स जो है एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं कम करते हैं, ये देखो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ाएगा ये। तो मोस्ट एसिडिक है फोर्थ ऑप्शन दैट इज पैरानाइट्रोफिनॉल, उससे कम है फिनॉल फर्स्ट ऑप्शन, उससे कम है पैरानाइट्रोफिनॉल के बाद मेटानाइट्रोफिनॉल DCAB फर्स्ट ऑप्शन।
इथेनॉल H2SO4 के साथ में बहुत सारे प्रोडक्ट्स देता है अपने पास यहाँ पर बिल्कुल भी लो टेम्परेचर पे अगर हम बात करें तो वो अपने पास इथेनॉल और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 बहुत ही लो टेम्परेचर मतलब 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास C2H5OH2 पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव ये दे देगा अपने पास और रूम टेम्परेचर पर ये देता है C2H5HSO4 एंड अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर ये देगा C2H5HSO4 और 140 डिग्री सेल्सियस पर ये देगा C2H5OC2H5 epoxy ethane जो कि कहलाता है विलियमसन्स कंटीन्यूअस इथरीफिकेशन और 170 डिग्री सेल्सियस पर ये देता है इथीन। तो फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा, थर्ड ऑप्शन मिलेगा और फोर्थ ऑप्शन मिलेगा, एसिटिलीन नहीं मिलेगा, सेकंड इज द करेक्ट वन। The major product phenol with sodium hydroxide and CO2. तो ये वही reaction है अभी Kohl-Schmidt reaction की बात कर रहे थे, salicylic acid, second option. Phenol concentrated H2SO4 और उसके बाद में concentrated nitric acid के साथ में, ये वाला question बड़ा typical सा है, actually ये साइनेस सब्स्टिट्यूशन का एक केस है। फिनॉल को वैसे अगर हम पहले कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करें, अगर हम ओलियम लेते हैं इसकी जगह पे मान लिया जाए तो ये अपने पास दे देता है 2 हाइड्रोक्सी तो खैर नहीं आएगा, ये आ जाएगा अपने पास यहाँ पे 1, 2, 3, 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन डाइसल्फोनिक एसिड 1,3 बेंजीन डाइसल्फोनिक एसिड और इसके बाद यदि हम इसको कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करें तो ये अपने पास यहाँ पर ये इप्सो अटैक भी कहते हैं इप्सो अटैक और ये अपने पास दे देगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनॉल पिक्रिक एसिड। ये एक बहुत अच्छा मेथड है क्योंकि फिनॉल को डायरेक्ट पिक्रिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए जब हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ ट्रीट करते हैं तो होता क्या है प्रॉब्लम कि इस दौरान कुछ अपने पास यहाँ पे फिनॉल का ऑक्सीडेशन भी हो जाता है, वो अपने पास यहाँ फिनोक्विनोन भी बना देता है। तो पिक्रिक एसिड बनाने के लिए ये एक अच्छा मेथड है। अब यहाँ पर अपने पास जो क्वेश्चन है उसमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दिया है तो यहाँ पर हमारे पास ऑर्थ्रो और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा और यहाँ पर रूम टेम्परेचर पे ये अपने पास ऑर्थ्रो लो टेम्परेचर पे ये बनता है तो लो टेम्परेचर पे अगर बात करेंगे तो ये अपने पास NO2 और बहुत लो टेम्परेचर पे ये बनेगा अपने पास पैरा बल्कि थोड़ा हाई टेम्परेचर पे ये बनेगा और ये अपने पास उस केस में क्या दे देगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास सेकेंड ऑप्शन भी दिया है थर्ड ऑप्शन पैरा नाइट्रोफिनॉल भी दिया हुआ है तो फिर रूम टेम्परेचर मानते हुए आप ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल पे जा सकते हैं ठीक है थर्ड ऑप्शन सेकंड ऑप्शन पे। नेक्स्ट ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव विद द ब्रोमीन फिनॉल का ब्रोमिनेशन तो फिनॉल का मैंने बताया था ब्रोमीन वाटर के साथ में देगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल लेकिन अभी क्या प्रॉब्लम है कि अगर 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल बनना है तो इसके ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे कुछ नहीं होना चाहिए। अब फर्स्ट ऑप्शन में देखो तो OH के ऑर्थो पोजीशन पर मिथाइल है और सेकेंड ऑप्शन में OH के पैरा पोजीशन पर मिथाइल है, केवल थर्ड ऑप्शन है जिसमें ऑर्थो और पैरा पोजीशन खाली है
तो यहाँ पे इस केस में क्या हो सकता है, 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल बन सकता है या क्रिसॉल बन सकता है, 2,4,6 ट्राइब्रोमो मेटाक्रिसॉल, ठीक है। बाकी डी ऑप्शन की संभावना तो है ही नहीं, क्योंकि बेंजाइल अल्कोहल में जो OH ग्रुप का जो LP है वो कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो वो रिंग को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा, LP सिग्मा सिग्मा, तो फोर्थ ऑप्शन तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है।